बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर। बुलंदशहर में 4 जमातियों सहित 10 लोगों को कोरोना पॉजिटिव। बुलंदशहर में अब तक कोरोना पीड़ितों की संख्या 30 से बढ़कर हुई 40। दिल्ली मरकज से आए उड़ीसा के 4 जमातियों सहित 10 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना पीड़ितों को जेपी हॉस्पिटल चिट्टा में भर्ती किया गया है। 1 कोरोना पीड़ित डॉक्टर की मौत हो चुकी है, जबकि 1 दंपति ठीक हो चुका है। नोएडा से आई इन 10 लोगों की सैंपल रिपोर्ट के बाद सीएमओ डॉक्टर केएन तिवारी ने कोरोना की पुष्टि की है। बुलंदशहर में कोरोना पॉजिटिव के 10 और नए मामले सामने आए हैं। बुलंदशहर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 30 से बढ़कर अब 40 हो गई है। आपको बता दें कि आज 93 लोगों की रिपोर्ट आई थी, जिसमें 10 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि 3 लोगों की रिपोर्ट रिपीट पे आई थी, और जबकि इसमें 80 लोग जो नेगेटिव पाए गए हैं। आपको बता दें कि पूर्व में रिहाना जो जमातियों के संपर्क में आई थी, उसके परिवार और रिश्तेदार और 4 जमाती सहित 10 लोगों की रिपोर्ट आज कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसको लेकर स्वास्थ्य महकमे में भी हड़कंप मचा हुआ है। इधर जहां ये जमाती ठहरे थे बुगरासी में, बुलंदशहर के बुगरासी में, उस इलाके को पूर्व में ही हॉटस्पॉट का सील कर दिया गया है, जबकि प्रशासन जो है वो आगे की कार्यवाही में जुटा हुआ है। कैमरा पर्सन शमसुद्दीन सैफी के साथ हामिद सैफी, Time24 न्यूज़, बुलंदशहर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।